नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों फाइनली आज एडमिट कार्ड आ चुका है, जो RSM SSB LDC की वैकेंसी आई थी 11,255 पदों के लिए। तो दोस्तों मैंने कल आपसे वीडियो बनाकर कहा था कि कल जो 5 बजे इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, बट थोड़ा सा लेट हो गया, इसके अंदर 45 मिनट लेट एडमिट कार्ड अपलोड हुआ है। तो अपन देखते हैं कैसे इसको अपन डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड को 3 प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑप्शन भी दबा दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अपन कैसे इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। सबसे पहले अपन SSOID, जो SSOID वाली वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in, उसके ऊपर जाना है। एंड उसके बाद जो अपनी आईडी पासवर्ड है SSOID की, जिसका हम हर राजस्थान गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके अंदर अपन को आईडी पासवर्ड डालना है। एंड उसके बाद लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो अपन लॉगिन कर लेते हैं और एंड उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस रहेगी इसकी नेक्स्ट, ठीक है। तो आपके पास जो डैशबोर्ड खुल जाएगा जो SSOID है उसके, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये वेबसाइट खुल जाती है। तो हमारी ये दोस्त है श्याम मौर्य और हमारे सब्सक्राइबर भी है यूट्यूब चैनल टेक्नो राजस्थान की। तो आप देख सकते हैं, तो जैसे ही आप इस डैशबोर्ड वाला ऑप्शन आएगा तो उसके अंदर आपके जो भी एप्लीकेशंस है, जिन वैकेंसी का आपने फॉर्म भरा है, वो सभी आपके सामने खुल जाएगी। तो जो ये LDC वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, डायरेक्ट ज्वाइंट रिक्वायरमेंट ऑफ क्लर्क ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2018 जूनियर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट RSSB, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है व्यू एप्लीकेशन का, एंड जो सेकंड ऑप्शन है वो है गेट एडमिट कार्ड, ठीक है। तो गेट एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर अपन को क्लिक करना है। तो जैसे अपन इस गेट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अपना जो एडमिट कार्ड खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो हमारे ये दोस्त हैं, इनका एडमिट जो एग्जाम सेंटर आया है, तो आप देख सकते हैं इनका जो एग्जाम सेंटर है जयपुर के पास है, एंड जो इनके डिटेल्स आप देख सकते हैं। और इस प्रकार अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्जाम टाइमिंग मैंने बता चुका हूँ आपको, तो फर्स्ट पेपर रहेगा जो 8 से 11 बजे का रहेगा, एंड जो सेकंड पेपर रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा क्या है, एंड अपन जो सेकंड प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा, गूगल के अंदर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल सा सर्च करना है RSM SSB, ठीक है। तो RSM SSB अपन सर्च करेंगे तो जो RSM SSB की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास खुल जाएगी। तो अपन को ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या फिर आप जो एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन है उसके अंदर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करके आपको जो अपनी एप्लीकेशन आईडी एंड जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो डालकर सबमिट कर देना, और आपका जो आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। इस प्रकार भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो वेबसाइट बिजी चल रही है तो आप SSOID से खोल लीजिएगा। एंड जो एक और ऑप्शन है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो ये वेबसाइट है मैं आपको बता देता हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप देख सकते हैं requirement.rajasthan.gov.in, इसको आपको खोलना है, एंड खोलते ही आपके जो SSOID वाली वो सेम प्रोसेस आ जाएगी। तो इसके अंदर आपको SSOID डालनी है और अपना जो गेट एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रोसेस थी, एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्जाम है उन सभी को। और आप देख लीजिएगा अपना एडमिट कार्ड किस प्रकार डाउनलोड करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है।